पता नहीं कहां कहां से आ जाता है। घर से? पर मैडम इतना इतराव नहीं, हम भी कोई अरे गहरे घर से नहीं है, समझी? शीशे में शक्ल देखी अपने? मैंने तो देखी है, लेकिन तुम मत देखना। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी शक्ल देख के उल्टी आ जाएगी। ओए मैनेजर, मेरे रूम की चाबी दो। कौन से रूम की चाबी मैम? साले तेरी माँ की। बताओ तुझे कौन से रूम की चाबी? नहीं मैम, याद आ गया, 301 नंबर की चाबी। अरे यार, फालतू में बेचारे को थप्पड़ मार दिया, इतना बुरा भी नहीं था वो। क्या मुझे उसको सॉरी बोलना चाहिए? खैर चलो, अभी तो बहुत थक गई हूँ, अभी सो जाती हूँ, उठ के बाद में सॉरी बोलूंगी। अरे 11 बज गए, इतनी तेज भूख लगी है। एक काम करती हूँ, पहले खाना ही ऑर्डर कर देती हूँ। हेलो जी मैम, खाने का ऑर्डर लिखवाना था, अभी क्या मिलेगा खाने में? मुर्गे का अंडा मिलेगा। व्हाट? मेरा मतलब है अभी 11 बज चुकी है रात को, इसके लिए खाना नहीं मिल पाएगा। इतनी भूख लगी है, ऊपर से एक खड़ूस मैनेजर। क्या हुआ भाई? सर जो वो मैडम आपसे झगड़ा करके गई थी ना, हाँ? वो खाने का ऑर्डर दे रही है। अब ये मतलब रात को बहुत टाइम हो चुका है, अब तो खाना नहीं मिल पाएगा, कहाँ से लाऊं मैं खाना? चलो कोई बात नहीं, मैं मेरे पास कुछ खाने के लिए है तो मैं उसको दे देता हूँ, नहीं तो पूरी रात भूखे ही मर जाएगी जी। ना हाँ मैं, मुझे पता चला कि तुम्हें भूख लगी है और रेस्टोरेंट भी बंद है, तो मैंने सोचा क्यों मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर चलूँ। थैंक्स, पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। सुनो, मैं प्यार से लाया तो थोड़ा कुछ खाई लेती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, बाहर के अजनबियों के हाथ से नहीं खाते, मैं समझ सकता हूँ। तो अरे मैं बोल रही हूँ ना कि इट्स ओके, चलो मैं खा लेती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो। सॉरी। क्यों? वो आज सुबह रिसेप्शन पे थोड़ी बदतमीजी आपसे करी। कोई बात नहीं, बड़े बड़े होटलों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। वैसे कितने दिन आप होटल में स्टे करने वाले? मेरा काम खत्म होते ही 4-5 दिन में निकल जाऊंगा। सो कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। क्यों? बस ये मन में आया पूछू। सो मैं कैसे लगी आपको? पटाखा। मेरा मतलब है कि बहुत अच्छी लगी। वैसे तुम भी मुझे अच्छे लगे। क्या तुम मेरे डुएट बना लो? क्या तुम्हारा प्यार है या मैथी नूडल जो 2 मिनट में हो गया? यार तुम तो बुलेट ट्रेन से भी तेज निकली।
Yes, love in first sight. हेलो बेबी, क्या कर रही हो? आ गए तुम? बस कुछ नहीं, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई, दिला दोगे तुम? हाँ बेबी, क्यों नहीं। बेबी, ये इयररिंग्स भी कितने अच्छे हैं, दिला दोगे मुझे? हाँ बेबी, क्यों नहीं। अरे सुनो ना, मुझे ये ताजमहल ले दोगे? बहन की सगी, तेरे बाप ने पैसे का पेड़ लगाया, चल जा बैठ जाओ वहाँ पे। सर पानी की बोतल रह गई थी, प्लीज ले लो। हाँ सर, ये लो। थैंक यू। सब क्या हुआ? ये बोर हो गई, ये लो। हाँ क्या हुआ? ये बोर होगी, ये ले भाई। ये बोर होगी। अबे अब एक बार और है ना, यही बोतल तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा और तू जब भी सुबह बाथरूम जाएगा ना तो जिंदगी भर तुझे मेरी याद आएगी। चल निकल। तो तुम चले जाओगे ना? हाँ, क्यों तुम नहीं चलोगे मेरे साथ? कहाँ, पागल हो तुम? मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकती हूँ? क्यों, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्यों नहीं चल सकती तुम मेरे साथ? तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? बिना सोचे समझे तुम मुझसे कैसे शादी कर सकते हो? जब तुम बिना जाने समझे मुझसे प्यार कर सकती हो तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता? तुम्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता ही नहीं है, क्या तुम मुझे उतना ही प्यार करोगे मेरी सच्चाई जानने के बाद जितना अभी करते हो? क्या क्या है तुम्हारी सच्चाई? मैं एक गरीब घर की लड़की। तो क्या हुआ? वो एक मैं एक बार डांसर भी हूँ। तो क्या हुआ? वो मैं पैसों की तंगी में आकर गलत काम करने चली थी। आज भी मुझे किसी ने होटल में फोन करके बुलाया था सोने के लिए, पर वो आया नहीं, वहीं तुम मुझे मिल गए। तो मैंने सोचा वो नहीं तो आप ही सही, आपसे थोड़े ज्यादा पैसे ऐड कर तो अपनी जरूरतें पूरी कर लो। बोलो, करोगे आप शादी मुझसे? मेरी ये सच्चाई जानने के बाद करोगे? हुआ करे, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरी सच्चाई जानने के बाद नहीं रहा ना अब उतना प्यार? तो क्या हुआ, मैंने तुमसे प्यार किया, आखिरी सांस तक करूंगा। तुम्हारी हर मुसीबत, तुम्हारी हर जरूरत मेरी है। तुम्हारा कल क्या था मुझे नहीं जानना, लेकिन तुम मेरी आज की जिंदगी हो। तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। इतना प्यार करती तुम मुझसे? इससे भी ज्यादा। काश तुम्हारे जैसे प्यार करने वाले हर किसी को मिल जाते तो इस दुनिया में नफरत का नामो निशान भी नहीं रहता। मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी।